बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आप कह सकते हैं ये YouTube के ऊपर मेरा पहला व्लॉग है और मैं अभी अपने हॉस्टल के रूम में मौजूद हूँ, जैसा कि आप सबको पता है, और अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। मैं चाइना के अंदर अपनी मास्टर्स डिग्री कम्प्लीट कर रहा हूँ इन मटीरियल इंजीनियरिंग फ्रॉम तुंगखा यूनिवर्सिटी चाइना, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने हॉस्टल के रूम से स्टार्ट किया जाए। आइए आज आपको दिखाता हूँ कि हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पर कैसे हॉस्टल अपार्टमेंट मिल। आइए देखते हैं। तुंगखा यूनिवर्सिटी में जो मेरा रूम है वो 4th फ्लोर पर है, 4302। अगर मैं रूम का डोर ओपन करूँ तो कुछ इस तरह का व्यू आता है। राइट साइड के ऊपर हमें 2 कबर्ड्स दी गई हैं कपड़े रखने के लिए, और 3 बेड हैं। नॉर्मली रूम के अंदर 2 से 3 बेड होते हैं। 2 बेड फॉर PhD, दो स्टूडेंट्स एक रूम में, और फॉर मास्टर्स 3 स्टूडेंट। फ़िलहाल मैं अपने रूम में अकेला हूँ, और मे बी इन फ्यूचर इन सितंबर में भी कोई मास्टर का 1 या 2 स्टूडेंट आ जाए। अच्छा, राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं। कबर्ड है, इसमें हम अपना स्टफ़ वगैरह कपड़े वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह एक ऊपर वाला खाना है, और देन उसके बाद हमें एक फ्रिज दी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसमें हम अपना जो खाना वगैरह बनाते हैं वो रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी टूर करवाऊंगा कि हमें यहाँ पर किचन भी अवेलेबल है और एक टीवी है। देन इस तरह के बेड हैं हमारे, ये खाली बेड है, ये वाला बेड मेरा है। अच्छा, हर स्टूडेंट्स की 3 बेड हैं तो 3 कबर्ड्स भी हैं, जिसमें हम अपना बैठ के काम कर सकते हैं और स्टफ़ वगैरह रख सकते हैं। बेड मुझे ये वाले बेड बहुत अच्छे लगते हैं, देखें लकड़ी के हैं और एरिया इनफ है, कंफर्टेबली आप सो सकते हैं। देन एक नीचे अगेन एक और कबर्ड है जिसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और फाइनली हमें AC भी दिया गया है रूम में, गर्मियों में या सर्दी में AC चला के अपना कमरा गर्म या ठंडा कर सकते हैं। और देन जो सबसे खूबसूरत व्यू है वो आउटसाइड का है, बालकनी का। यहाँ से देखें कितना प्यारा व्यू आता है यूनिवर्सिटी का, अगर वहाँ से स्टार्ट करें ये। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जज़ाकअल्लाह खैर।